गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन बाय ब्लेस ऑफ अलमाइटी। आई डॉक्टर संजय कुमार वेलकम यू ऑल फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार। इफ़ यू वांट टू सीक मेडिकल हेल्प यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम हियर टू गाइड यू टू अवेयर यू रिगार्डिंग कॉमन मेडिकल इलनेस। दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार में मां तव्हांखे खुश आमदी चवां थो, भलीकार चवां थो, ठीकार चवां थो। उमीद आहे तव्हां सभु खैरियत सां हूंदा अलाह जे फज़ल करम सां। जेकॾहिं मेडिकल जे हवाले सां, सिहत जे हवाले सां तव्हांखे का बि सुवाल पुछणो हुजे या अॼु जे असांजे मौज़ू जे बारे में का बि सुवाल पुछणो हुजे त तव्हां कमेंट में लिखंदा, मां अॼु जे प्रोग्राम जे पुॼाणी ते तव्हांजे सुवालनि जा जवाब ॾेई पोइ पुॼाणी कंदुसि। फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं आप सबको फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से। दोस्तों, सेहत के हवाले से आपने कुछ पूछना है या हमारे आज के मौजू के मतलब आपने कोई सवाल करना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपके सवालों के जवाब दे के फिर इख्तिताम करूँगा। तो दोस्तों, हर वो दर्द सीने का दर्द, हर वो दर्द जो सीने का दर्द है वो दिल का दर्द नहीं होता। हर सीने का दर्द जो है वो दिल का दर्द नहीं होता। और यही हमारा आज का मौजू है, आज का मौजू है सीने का दर्द या चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के क्या काजेज़ होते हैं? दोस्तों, चेस्ट पेन के मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां चेस्ट पेन कराती हैं, सीने का दर्द कराते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि इंडाइजेशन की वजह से, और उसके बाद अल्सर की वजह से भी हो सकता है, पट्ठों के दर्द की वजह से जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन भी हो सकता है, और न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे सुई का लगना, बिजली का चुभना वगैरह। और उसके अलावा जो है कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जो सीने का दर्द कराती हैं। तो दोस्तों, आज हम चेस्ट पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, सीने के दर्द के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके मतलब आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आज के मौजू के एग्ज़ाम पे आपके सवालों के जवाब दे के फिर अपना आज का प्रोग्राम एग्ज़ाम पे लाऊंगा। तो अब आते हैं कि ये जो दिल की बीमारियां हैं इनकी वजह से सीने का दर्द किस नौत का होता है, हम कैसे जो है बाकी सीने के दर्द के जो काजल हैं उनको उनसे दिल की वजह से जो सीने का दर्द होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि दिल की बीमारी में सीने का दर्द किस मरीज का होता है। दोस्तों, अगर सीने के बीच में बोझ हो, वजन हो, और बोझ हो, वजन हो या दबाव हो, वो ऐसा महसूस हो रहा हो कि सांस घुट रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और ये दर्द जो आपके गर्दन तक जा रहा है, दोनों बाजुओं तक आ रहा है, और आपको पसीना पसीना हो रहे हो, और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सांस आपका घुट रहा है, अगर इस नौत का दर्द है तो आप समझिए यकीनन ये जो दर्द है सीने का, ये दिल का दर्द है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेता हूँ। अगर ऐसा दर्द अगर आपको लगे आपके सीने के बीच में वजन हो, दबाव हो या बोझ हो, और आपको ऐसा महसूस हो आपकी सांस घुट रही हो, और ये जो दर्द है जो दोनों बाजू गर्दन से लेके दोनों बाजुओं तक जा रहा है, आपको पसीना हो रहा है, और आपकी सांस जो लेने में मुश्किल हो रही है, अगर ऐसा दर्द है तो यकीनन ये दिल का दर्द है। और ऐसा जो महसूस हो रहा हो ये आपको पहली बार महसूस हो रहा हो, ऐसी तकलीफ आपको इससे पहले महसूस नहीं हो हुई हो तो, और उसके अलावा जो है ये आपको आपके चैन को
मतलब आपको बेचैन कर लेता है। आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका दिल है कुछ कर लूँ, लेकिन इस दर्द की वजह से, इस बोझ की वजह से आप वो कर नहीं पाते। यहाँ तक कि आप सोना चाहते हैं सुकून की नींद से, पर आप इस दर्द की वजह से नहीं सो पा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं और इस कैफियत के दर्द को हम दिल का दौरा कहते हैं, और इसके बाद ये समझ लें कि ये दिल के दौरे की अलामतें हैं। अब ये आज बता दूं कि चेस्ट पेन सबसे पेचीदा अलामतों में से एक अलामत है। दूसरों इसके बाद आ जाता है कि ये सारी जो अलामतें हमने बताई दिल के दौरे की, अगर यही अलामतें हों, इसके साथ हों, लेकिन मसलसल ना हो, मतलब कुछ वक्त हो फिर चली जाए, फिर कुछ वक्त हो फिर चली जाए, जैसे कि नाली का खुलना और बंद होना, तो अगर इस टाइप का हो कि वक्फे वक्फे के बाद या इस अलामतें हों, कौन सी अलामतें जो हमने पहले पढ़ी, दिल के दौरे के वक्त के सीने के दरमियान बोझ हो, सीने के दरमियान वजन हो, ऐसा महसूस हो सीने के दरमियान आपको कोई दबाव हो, उसके साथ साथ आपको ऐसा महसूस हो कि आपके सांस घुट रही है, और ये जो दर्द है ये गर्दन तक जा रहा है और फैलता हुआ दोनों बाजुओं तक आ रहा है, और उसके साथ साथ जो है आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपकी सांस घुट रही है, आप पसीना पसीना हो रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यकीनन आप समझें ये जो सीने का दर्द है ये दिल की बीमारी की वजह से है, और ये जो तकलीफ़ें आपको ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुई हो, इससे पहले महसूस ना हो, आप बेचैन हो रहे हो, बेसुकून हो रहे हो, कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, काम करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, बेसुकून की वजह से नींद भी नहीं आ रही है, ये कैफियत यकीनन दिल की बीमारी की वजह से सीने का दर्द है। और अब हम बात करें कि अगर ये मसलसल रहे तो दिल का दौरा है, अगर यही सिम्टम मसलसल ना रहे, ये सिम्टम ये अलामतें जो हैं ये आपको वक्फे वक्फे के बाद हो, मतलब कुछ अरसा हो फिर ठीक हो जाए, फिर कुछ अरसा हो फिर ठीक हो, अगर ऐसी नोयत है तो मेरी आपसे गुजारिश है बगैर टाइम गवाए किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ का दिल का अमराज कलब या दिल का माहिर डॉक्टर हो, और जहाँ पे ECG की सहूलत मौजूद हो। यहाँ पे एक चीज़ में और इस बीमारी को कहते हैं अनस्टेबल अंजाइना, जैसे हम ST एलिवेशन और अक्यूट MI भी कहते हैं। अगर जो है इस बीमारी में एक चीज़ आप जहन में, जैसे कि मैंने पहले बता दी कि वक्फे वक्फे के बाद होती है, मतलब कुछ देर दर्द होता है फिर बंदा ठीक होता है, तो जिस वक्त दर्द ना हो ठीक हो उस वक्त अगर आप ECG कराएंगे वो नॉर्मल होती है, तो उसके लिए एक और खून की टेस्ट होती है जैसे हम ट्रोप आए कहते हैं, अगर पट्ठू में हल्का सा भी खिंचाव होगा तो ये ट्रोप आए उसे मतलब पॉजिटिव आती है, लेकिन ये टेस्ट भी एक वक्त पे की जाती है कि ये टेस्ट जो है हर वक्त नहीं की जाती, ये टेस्ट जो है अगर सिम्टम अलामतें जाहिर हुई उसके फौरन नहीं की जाती, इसके लिए मखसूस वक्त होता है और मखसूस टाइम होता है। उसके बाद ये जो काजेज दिल के बीमारियों के जिसकी वजह से सीने का दर्द होता है, ये दोनों बैठे बैठे इंसान को हो जाती है। फिर एक और बीमारी है जो दिल की जो सीने का दर्द कराती है, वो क्या, जब इंसान चलता है तो ये सारी अलामतें जो दिल की बीमारी के ये होती हैं, और जब वो रुक जाता है या बैठ जाता है तो अलामतें नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, मतलब जब वो कोई एक्टिविटी करता है, जब कोई काम करता है, जब वो चलता है तब दिल की अलामतें जाहिर होती है, जब वो रुक जाता है तो नहीं होती है, मतलब ख़ास तौर पे चलने पे वो दर्द ज़्यादा होता है। हमने दिल की बीमारियों के तीन किस्म पढ़े और उनकी वजह से सीने में जो जो दर्द होता है उसके बारे में बातचीत की। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करने से पहले सिर्फ एक एक पॉइंट डिफरेंशिएट के बताता हूँ कि दिल जो सबसे पहले दिल का दौरा है हार्ट अटैक है उसमें क्या होता है, वो जो सीने के अलामतें हैं वो मुसलसल रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, हर वक्त रहते हैं।
उसके बाद हमने दूसरी चीज़ पढ़ी कि अनस्टेबल एंजाइना में क्या था, वक्फे वक्फे के बाद दर्द होता है, नाली का खुलना नाली का बंद होना, नाली का खुलना नाली का बंद होना, इस तरह दर्द होता है। और जो तीसरी है वो ये दोनों बैठे बैठे माना इंसान बैठा होता है तब भी दर्द होता है। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, स्टेबल एंजाइना में जो दर्द होता है वो इंसान जब चलता है या कोई एक्टिविटी करता है, खास तौर पे चलने पे। तो ये हमने दिल की तीन बीमारियां पढ़ी, और दिल की बीमारी की वजह से जो सीने का दर्द होता है उसको पढ़ने की कोशिश की। अब आते हैं कुछ और काज, ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि दिल की बीमारी की वजह से जो सीने का दर्द होता है और बाकी बीमारियों की वजह से जो सीने का दर्द होता है उनमें क्या फ़र्क है, हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। उससे पहले मैं दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूँ जो व्यूवर्स हैं, कि अगर चेस्ट पेन सीने के दर्द के मुतलिक कोई भी आपको सवाल है पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। बिल्कुल इस प्रोग्राम के एग्जाम पे अब आते हैं कि अगर हमें सीने का दर्द है, साथ में सीने में जलन हो रही है, या वो दर्द है जो खाना खाने के बाद बढ़ रहा है, तो हम यकीनन यही कहेंगे कि ये जो दर्द है ये दिल का दर्द नहीं, ये दर्द है मैदे की किसी तकलीफ से, इनडाइजेशन की वजह से होता है, तो इसे इनडाइजेशन का दर्द कहते हैं। अगर हमारे सपोज करो यहाँ पे दर्द है, सीने में दर्द है, ठीक है, और इसे पिन पॉइंट है, इसे जोर देने से दर्द बढ़ता है, तो ये दर्द यकीनन दिल का दर्द नहीं है, लेस लाइकली चांसेस हैं ये दिल का नहीं है, पर ये एक जगह पे पिन पॉइंट पे और प्रेशर देने से ये बढ़ रहा है, तो इसे हम मस्कुलर पेन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर पेन कहेंगे, पट्ठों का दर्द, मस्कुलोस्केलेटल पेन, मसल का पेन, मसल पेन, मस्कुलर पेन। अब अगर दर्द जो है हमारे मसल्स में है और हम जैसे बाजू उठाते हैं दर्द बढ़ जाता है, तो ये दर्द भी यकीनन दिल का दर्द नहीं है, ये दर्द भी जो है मसल का, मस्कुलोस्केलेटल का, पट्ठों का दर्द है। फ्रेंड्स, हमने चेस्ट पेन और उसके जो कार्डियक डिजीज की वजह से जो चेस्ट पेन होता है और अदर डिजीज की वजह से जो चेस्ट पेन होता है, और इसमें एक चीज वो डिस्कस की, और न्यूरोजेनिक पेन कैसे होता है, जैसे सुई का चुभना, बिजली का चुभना, बिजली का झटकाना, इस टाइप का होता है। तो उम्मीद है कि अब आप इजीली जो है बता सकते हैं कि ये जो सीने का दर्द है ये दिल की बीमारी की वजह से, ये जो सीने का दर्द है ये दिल की बीमारी की वजह से नहीं है। मैं 2 मिनट रिवाइज कर लेता हूँ कि सीने के दर्द की जो अलामतें हैं, ताकि आपको याद रह जाए, फिर हम इख्तिताम करते हैं आज के मौजू को। अगर सीने के बीच में आपको बोझ महसूस हो, वजन महसूस हो, या दबाव महसूस हो, ऐसा आपको महसूस हो कि आपकी सांस घुट रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस सही तरीके से नहीं ले पा रही हो, और ये जो दर्द है ये आपकी गर्दन तक जा रहा है, और यही दर्द जो है दोनों बाजुओं तक आ रहा है, और ये जो दर्द है जो है आपके पसीने हो रहे हो, और ये जो तकलीफ़ है, ये जो कैफियत है, ये आपने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया, तो यकीनन ये दिल का दर्द है, आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, हमने आज जो है चेस्ट पेन के काजेज, जिसमें हार्ट डिजीज़ एंड एसोसिएटेड सिम्टम, अदर डिजीज़ के बारे में, और डिफरेंशिएट करने की कोशिश की के जो दिल की बीमारी की वजह से दर्द होता है वो अलग होता है, बाकी बीमारियों की वजह से जो दर्द होता है वो अलग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यकीनन कि हर जो दर्द सीने में होता है वो दिल का दर्द नहीं होता है। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर शाम 7 बजे एक और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।